राजस्थान में पूर्व अशोक गहलोत सरकार द्वारा मदरसों की जमीन आवंटित की गई थी। हर जिलों में अशोक गहलोत की सरकार ने मदरसे के लिए जमीन आवंटित की गई थी। उसके बाद अब विवाद उपजने लगा उदयपुर का मावली, जहां पर भी जमीन आवंटित हुई थी। उदयपुर जिले में जो मावली कस्बा है, वहां के पास में ही वैशाली नगर के नाम से जो क्षेत्र है, वहां पर जमीन आवंटित हुई। उसके बाद बवाल हो गया। जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग थे, जो सर्व हिंदू समाज था, वह इकट्ठा हुआ। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और एक उग्र प्रदर्शन हुआ। हजारों की तादाद में लोग जुटे, करीब 1 किलोमीटर तक रैली के रूप में प्रदर्शन किया और जो जमीन का आवंटन था उसे निरस्त करने की मांग की थी। उसके बाद एसडीएम ने कलेक्टर को पत्र लिखा और कलेक्टर ने राज्य सरकार को जमीन आवंटन के लिए पत्र निरस्त करने के लिए पत्र लिखा और राज्य सरकार ने कलेक्टर के पत्र पर जो जमीन आवंटन का जो था उसे निरस्त कर दिया। जो मदरसे की जमीन का आवंटन था उसे निरस्त कर दिया है। जिस तरह से मदरसे को लेकर लगातार बवाल देखने को मिल रहे हैं, देश भर में मदरसे के नाम पर बवाल हो रहे हैं और राजस्थान में जिस तरह का बवाल देखने को मिला, जो मावली कस्बा जिस पर एक दिन पहले उग्र प्रदर्शन हुआ, हजारों की तादाद में जो लोग थे वह शामिल हुए और उन्होंने एक आवाज में एक आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जो मदरसे की जमीन है उसको निरस्त करे सरकार। आपको बता दें कि जो क्षेत्र है वैशाली नगर और जिस कस्बे में जमीन आवंटित हुई है, वहां पर आसपास के क्षेत्र में हजारों की संख्या में हिंदू लोग रहते हैं और उस क्षेत्र में ही जमीन आवंटित की गई थी। इसको लेकर बवाल हुआ और जो लोग थे उन्होंने सिर्फ यही कहा कि सरकार जमीन आवंटन को निरस्त करे, अन्यथा यह रूप उग्र हो सकता है। उसके बाद सरकार ने भी फैसला लिया और उस कलेक्टर के पत्र पर कलेक्टर ने जो अनुशंसा की थी उस पर जो जमीन का आवंटन था निरस्त किया था। जिस तरह से जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो सर्व समाज के लोग थे, जो साधु संत थे, जो भाजपा के जुड़े नेता लोग थे वह शामिल हुए। यहाँ तक कि जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ के सांसद वह भी शामिल हुआ और उन्होंने भी उसी समय कहा था कि सरकार जमीन के आवंटन को निरस्त करेगी और 2 दिन बाद ही सरकार की ओर से आदेश आता है कि जो जमीन का आवंटन है उसे निरस्त किया जाता है। उसे पहले ही जो प्रशासन था वह चेत गया था और एसडीएम है वो एसडीएम ने कलेक्टर को पत्र लिखकर जो जमीन के आवंटन की जानकारी दी थी, क्योंकि उस क्षेत्र में जिस तरह की जो जमीन है, जिस तरह का क्षेत्र है, वहाँ पर वो जमीन फिट नहीं बैठती थी। जो क्षेत्र है वहाँ पर जमीन का आवंटन को लेकर विरोध था, बवाल था और उसको लेकर जमीन को निरस्त ही करना था। इस कारण आखिरकार सरकार ने भी फैसला लेते हुए जो जमीन का आवंटन है उसको निरस्त किया। जो कलेक्टर है उसको सरकार ने पत्र भेजा है और जमीन के आवंटन के निरस्त की बात की। उसके बाद जो लोग हैं, जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, जो सर्व समाज के लोग थे, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि जो उनका प्रदर्शन था वह सफल रहा है और जो हजारों की तादाद में लोग जुटे थे उस समय भी यही चर्चा थी कि आखिरकार आवंटन निरस्त होगा लेकिन कब होगा। और 2 ही दिन बाद राज्य सरकार का फैसला आता है, जो शासन सचिव है उनका फैसला आता है कि जो जमीन है उसका आवंटन है उसको तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है और जो लोग हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, वह इस स्वागत का निर्णय कर रहे हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।